नमस्कार, हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आज की इस लर्निंग क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट सार्वजनिक खरीद को मुख्यतः ध्यान रखते हुए खरीद और निविदा की समझ बनाएंगे और जानेंगे निविदा के क्या अलग अलग प्रकार हैं, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर और सिंगल टेंडर परचेज कैसे की जाती है, साथ ही साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट परचेज के बारे में भी जानेंगे। शुरू करते हैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में खरीद और निविदा प्रक्रिया। किसी भी प्रकार की परियोजना हो, चाहे वो सिविल निर्माण कार्य हो या प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो, किसी जगह पे विद्युत संस्थापन के कार्य हो, सभी परियोजना के निष्पादन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो जो वित्तीय संसाधन हमारे प्रोजेक्ट में लग रहे हैं उनका अधिकतम इष्टतम मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और प्रोजेक्ट में वैल्यू एडिशन मूल्य का संवर्धन करना है। प्रोजेक्ट में हमें अनेक प्रकार के सामग्रियों, उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता होती है और इन मटेरियल, प्रोडक्ट और सर्विसेज की सप्लाई के लिए सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने के लिए टेंडर की जो प्रक्रिया है वो सबसे प्रभावी तरीका है। टेंडर या निविदा एक खरीद प्रक्रिया का अंग है जिसके द्वारा सभी सरकारी संस्थान और अनेक निजी संस्थान किसी भी प्रोजेक्ट को एक विशिष्ट समय सीमा में एक तयशुदा दायरे में पूरा करने के लिए जो विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनकी, उन आवश्यकताओं, सामग्री, उत्पाद और सेवाओं की खरीद के लिए विक्रेताओं से, जो आपूर्ति करता है उनसे बोलियां, बिड्स आमंत्रित करते हैं और उन बोलियों और बिड को विश्लेषण करके सही निर्णय करके कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाता है। किसी भी सार्वजनिक या निजी खरीदारी के लिए, चाहे वो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट हो या पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो, जो प्रोक्योरमेंट करते समय अधिकृत प्राधिकारी है, जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, उसकी प्रोक्योरमेंट के दौरान ये सभी उत्तरदायी और जवाबदेहियां होती हैं। जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, खरीदारी करने वाले प्राधिकारी है, उसका ये दायित्व है कि वो खरीद में दक्षता, किफायत और पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, सार्वजनिक क्षेत्र के खरीद में, जहां जनता के पैसों का उपयोग किया जाता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रोक्योरमेंट एंटिटी को सभी जो बोलीदाता है, बिडर्स हैं और जो सप्लायर्स हैं, आपूर्ति करता है, उन सभी को उचित, निष्पक्ष और एक समान व्यवहार भी प्रदान करना जरूरी है। प्रोक्योरमेंट एंटिटी खरीद के दौरान सभी प्रतिभागियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देवे और सभी प्रकार की भ्रष्ट गतिविधियों को, भ्रष्टाचार को रोके, ये भी सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी खरीदारी करने वाले प्राधिकारी की है। सभी प्रोक्योरमेंट, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, वो केवल आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए और गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए और इसे सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तो भी प्रोक्योरमेंट एंटिटी का है। प्रोक्योरमेंट एंटिटी को संस्था में सभी मांग के अभिलेख को बनाना चाहिए, साथ ही साथ खरीदारी के प्रत्येक चरण, जो सारी कार्यविधियां, निविदा सूचना जारी करने के बाद जो सभी बोलियां, बिड्स आई हैं, उनके विश्लेषण और अंतिम क्रय आदेश देने तक की प्रत्येक चरण की गतिविधियों का रिकॉर्ड भी संधारित करे, मेंटेन करे, ये जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद के समय उचित निर्णय लेने में उन जानकारियों का सही उपयोग किया जा सके। ये जरूरी है कि अधिप्राप्ति या खरीद करने वाली जो संस्था है, प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, उसे सभी प्रकार की खरीद करने से पहले खरीद में किन वस्तुएं, कार्य या सेवाओं की आवश्यकता है, उन आवश्यकता या जरूरतों का सही से निर्धारण करना चाहिए और जो अलग अलग प्रभागों से मांग आई है उन सभी मांगों के दस्तावेज को एग्जाई करके सुरक्षित भी संधारित कर रखना जरूरी है। एक बार जब मांग प्राप्त हो गई है तो उस मांग की खरीद प्रक्रिया को जारी करने के लिए या किसी भी नई खरीद प्रक्रिया को शुरू करते समय उस प्रक्रिया को एक विशिष्ट, अलग से, अकेला, अद्वितीय बोली संख्या, यूनिक बिड नंबर दिया जाता है, UBN अलॉट किया जाता है। इस UBN नंबर की मदद से हम उस बोली प्रक्रिया को
अगर संस्थान में बहुत सारी क्रय प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं तो बोली प्रक्रिया के दौरान और बाद में भी ट्रैकिंग और पड़ताल के लिए यूबीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों में इस यूनिक बिड नंबर का लगातार अंकन किया जाता है। प्रोक्योरमेंट एंटिटी खरीद करने वाली संस्था को कुछ जरूरी काम करने के लिए 3 या ज्यादा व्यक्तियों की एक खरीद समिति का भी गठन करना होता है। इस खरीद समिति में खरीद से संबंधित तकनीक के विशेषज्ञ हो सकते हैं, वित्तीय और लेखा के जानकार हो सकते हैं। ये खरीद समिति खरीद से संबंधित जो टेंडर डॉक्यूमेंट है, बोली के दस्तावेज है, उन्हें तैयार करेगी। टेंडर की सूचना देने के बाद जो बिड्स आएंगी, बोलियां आएंगी, उन बोलियों को निर्धारित स्थान और समय पर खोलने का काम करेगी। खोली गई बिड्स का मूल्यांकन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा और देखा जाएगा बोलियां तकनीकी और वित्तीय योग्यताओं को पूरी करती है कि नहीं करती, और सबसे बेहतरीन बोली को क्रय आदेश देने की क्रियाविधि की जाएगी। बाद में खरीद करने वाले प्रोक्योरमेंट एंटिटी और आपूर्तिकर्ता कॉन्ट्रैक्टर के बीच में अनुबंध की निगरानी भी खरीद समिति करेगी। विशेष परिस्थितियों में खरीद समिति स्पॉट खरीद भी कर सकती है। बहुत सारे बोलीदाताओं के बीच में नेगोशिएशन के काम से प्रतिस्पर्धी बातचीत करके किसी स्थिति विशेष के लिए उचित निर्णय कर सकती है, और यही खरीद कमेटी जो खरीद समिति है वो खरीद से संबंधित सभी जो जरूरी काम होते हैं, कोई अन्य कार्य या उद्देश्य हो सकते हैं, उनके लिए भी काम करेगी। 3 या ज्यादा सदस्यों की बनी हुई खरीद समिति की बहुत सारी जिम्मेदारियां और कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो उन्हें निर्वहन करने हैं। खरीद समिति में इन कार्यों को करने के लिए उचित तकनीकी सलाहकार और लेखा और वित्तीय जानकार होते हैं। खरीद समिति बाजार का सर्वेक्षण करने का कार्य करेगी ताकि मांग के अनुरूप सबसे बेहतरीन क्या बाजार में विकल्प हैं, वो किन दरों पर और किन विशेषताओं के साथ उपलब्ध हैं, उनकी जानकारियां प्रोक्योरमेंट एंटिटी के पास, खरीद करने वाली संस्था के पास रहे। खरीद समिति ही दरों में क्या तर्कसंगतता है उसका निर्धारित करेगी ताकि खरीद किन दरों पर करनी है, परियोजना की लागत में कौन से अंक का कितना हिस्सा रहेगा उसका निर्धारण भी खरीद समिति करती है। खरीद किए जाने वाले सामग्री, उत्पाद या सेवाओं में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उनके क्या डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, विस्तृत विनिर्देश या विशिष्टताएं होनी चाहिए, उन सबको बनाने का काम भी खरीद समिति करेगी। खरीद समिति ही अगर लिमिटेड टेंडर करना है, अगर सिंगल टेंडर की भी अगर जरूरत है तो उपयुक्त आपूर्तिकर्ता का चयन करेगी, और अगर ओपन टेंडर भी किया गया है तो आपूर्तिकर्ताओं तक जानकारियां पहुंचे, सूचना पहुंचे, उसकी भी जिम्मेदारी खरीद समिति के पास है। और अंत में पूरी खरीद समिति संयुक्त रूप से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र भी जारी करेगी जो बताता है कि उन्होंने जो खरीद के लिए सामग्री, सेवाएं या उत्पाद बताए हैं वो अच्छी गुणवत्ता के हैं और जरूरी जो स्पेसिफिकेशन है उन्हें पूरा करते हैं। उनके जो मूल्यों का निर्धारण किया गया है वो बाजार की प्रचलित दरों के अनुरूप है, और जो सभी समान आपूर्तिकर्ता हैं वो विश्वसनीय हैं, रिलायबल हैं, और जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उस वस्तु को आपूर्ति करने में सक्षम हैं, और उन पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध वित्तीय या तकनीकी कड़बड़ियों के कारण नहीं लगे हुए हैं, वो एलिजिबल योग्य आपूर्तिकर्ता हैं। सरकार के वित्तीय नियमों में, गवर्नमेंट फाइनेंस रूल्स में, GFR में सार्वजनिक खरीद करने के आदेश जारी करने वाली बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारियां उपलब्ध है। सभी सरकारी विभाग और कार्यालय कुछ ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से जो केंद्रीय खरीद संगठन सेंटर परचेज ऑर्गेनाइजेशन CPO से पंजीकृत हैं, और CPO के द्वारा जो निर्धारित दरें और शर्तें की गई है उनके अनुसार रेट कॉन्ट्रैक्ट पर, अनुबंधित दरों पर माल की आपूर्ति करते हैं, उनसे सीधे सरकारी विभाग और कार्यालय माल की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए टेंडर और दूसरी प्रक्रियाओं को किए बिना पहले से निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध के आधार पर खरीदारी की जा सकती है। जब रेट कॉन्ट्रैक्ट पे दर अनुबंधित माल की खरीद की जाती है तो आपूर्ति की गई सामग्री या सेवाओं के लिए जो भुगतान किया जाता है उनकी कीमतें रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो निर्धारित कीमतें हैं उनसे अधिक नहीं होनी चाहिए, और खरीद के लिए जो नियम कायदे हैं, शर्तें हैं, वो भी रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो बताई हुई शर्तें हैं और नियम हैं उन्हीं के साथ मेल खानी चाहिए। अधिकांश निजी संस्थान बिना कोटेशन के भी माल की खरीद करते हैं। विशेष, असाधारण और बहुत ज्यादा आपातकालीन स्थितियों पे सार्वजनिक खरीद भी बिना कोटेशन के की जा सकती है, लेकिन इसमें एक सीमा है, केवल 25,000 रुपये तक के मूल्य का सामान ही बिना कोटेशन या बोली आमंत्रित किए हुए खरीदा जा सकता है। और इस तरह की खरीद करते समय जो सक्षम प्राधिकारी है,
प्रोक्योरमेंट एंटिटी के लिए जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है वो इस बात की संतुष्टि का एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा कि जो खरीद इस तरह से बिना कोटेशन के सीधे की गई है वो समान चाही गई गुणवत्ता और विशिष्टताएं स्पेसिफिकेशन के साथ है और उसे एक विश्वसनीय सप्लायर से बिल्कुल सही उचित मूल्य पर खरीदा गया है। आमतौर पे बिना कोटेशन के माल की खरीद सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में इस्तेमाल नहीं की जाती है क्योंकि वहाँ पारदर्शिता और किफायती को महत्ता दी जाती है और ऐसी स्थिति में बिना कोटेशन के माल की खरीद एक असाधारण तरीका है जो अति आपातकालीन स्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाता है और इसे आमतौर पर हम जब बहुत कम कीमत की कोई वस्तुएं खरीदते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई आपात स्थिति हो या खरीदकर्ता खरीद की इस प्रक्रिया में जो लगने वाला समय है और जो प्रयास है उन्हें भी बचाना चाहता है। सार्वजनिक क्षेत्र में खरीद करने की सबसे प्रचलित प्रक्रिया खुली निविदा के द्वारा है। संगठित निजी क्षेत्रों में और सभी सरकारी प्रक्रमों में जब सामग्री उत्पाद या सेवाओं की आपूर्ति के लिए हमें कम्पिटिटिव प्राइजेज चाहिए प्रतिस्पर्धी मूल्यों की प्राप्ति करनी हो तो सबसे बेहतरीन खरीद की प्रक्रिया खुली निविदा प्रक्रिया ओपन टेंडर प्रोसेस हो सकता है। जब खरीद का कुल मूल्य 25,000 रुपए से अधिक हो तो हम ऐसी खरीद के लिए एक निविदा सूचना नोटिस इनवाइटिंग टेंडर NIT के द्वारा व्यापक प्रचार करते हैं और इस व्यापक प्रचार के लिए हम दो समाचार पत्र जिनका अच्छा सर्कुलेशन व्यापक प्रसार संख्या हो जिसमें एक राज्य स्तरीय होना चाहिए और एक स्थानीय स्तर का प्रचलित समाचार पत्र होना चाहिए कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के बतौर NIT निविदा सूचना को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही साथ कार्यालय या विभाग की जो वेबसाइट है सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म है कार्यालय का अपना नोटिस बोर्ड है इसके अलावा हम जो खरीद के पोर्टल हैं सरकारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल हैं जैसे भारत की केंद्रीय सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल जिसका URL यहाँ हाईलाइट में दिखाया गया है उस पर भी ये NIT प्रसारित होनी चाहिए। राज्य सरकारों के भी अपने स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल हैं जैसे राजस्थान सरकार का rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जो पोर्टल है उसका URL यहाँ दिया हुआ है तो सभी पोर्टल वेबसाइट सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार के साथ NIT द्वारा खुली निविदा की जानकारी सभी बिडर्स को दी जाती है। ओपन टेंडर में खुली निविदा में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से कम 3 सप्ताह का समय सभी बिडर्स को सप्लायर को बोली जमा करवाने के लिए भी देना चाहिए। खुली निविदा खरीद प्रक्रिया में सभी जो सप्लायर हैं बिडर हैं उनकी बोलियों को एक निर्धारित समय और स्थान पर खोला जाता है और उसके बाद क्रय कमेटी परचेज कमेटी उनका आंकलन करके तकनीकी और वित्तीय रूप से योग्य आपूर्तिकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को भी तुलनात्मक मानचित्र में रखती है और जो सर्वश्रेष्ठ बोली प्रस्ताव देने वाला बिडर होता है आपूर्तिकर्ता होता है उसके साथ क्रय आदेश करने की कार्रवाइयां की जाती है। एक दूसरी लर्निंग वीडियो में हम खुली निविदा से किस तरह से पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते हैं उसे बहुत विस्तार से हमने समझाया हुआ है। हालांकि सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक जो खरीद होती है वो ओपन टेंडर प्रोसेस खुली निविदा प्रक्रिया से ही होती है लेकिन विशेष स्थितियों में हम एकल निविदा से भी खरीद करते हैं जब किसी खरीद के लिए कोई एक खास फर्म ही जो निर्माता हो उसी से आपूर्ति लेनी हो या उस फर्म का एकमात्र वितरक हो उसी से आपूर्ति लेनी हो तो हम ऐसी अत्यंत आवश्यक आपूर्तियों के लिए एकल निविदा खरीद प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार कोई ऐसी सामग्री उत्पाद या सेवाएं हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा तकनीकी हो और एक खास प्रमुख आपूर्तिकर्ता से ही वो संभव है तो ऐसी स्थितियों में भी हम एकल टेंडर से उन सेवाओं या सामग्री या उत्पाद की खरीद कर सकते हैं। एकल निविदा खरीद प्रक्रिया में कुछ लाभ की स्थितियां भी दिखती है सीधे आपूर्तिकर्ता से संपर्क होने के कारण प्रक्रियागत ऊपरी खर्चे नहीं होने के कारण अनेक बार ऐसी एकल निविदा खरीद में लागत में भी कमी आ सकती है। आपूर्ति और क्रेता के बीच में ज़्यादा बेहतर आपसी संबंध होने के कारण जो आपूर्तियों की श्रृंखलागत प्रबंधन होता है वो भी सुधर जाता है और वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर हो जाती है। क्रेता को ग्राहक के तौर पे आपूर्तिकर्ता द्वारा ज़्यादा बेहतर सेवाएं दी जा सकती हैं। बदली हुई परिस्थितियों में बदले हुए निर्णय भी बहुत तेजी से लिए जा सकते हैं। एकल निविदा प्रक्रिया में दो विशिष्ट दोष हैं एक इसमें पारदर्शिता का अभाव है प्रतियोगिता नहीं होने से इसे किफायती और मूल्यवर्धन करने वाला भी नहीं माना जाता है तो अधिकांश सार्वजनिक खरीद में जहां
आम जन के धन से खरीद की जाती है। वहाँ इस तरह की एकल निविदाओं को खरीद हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ज्यादातर खरीद ओपन टेंडर खुली निविदा प्रक्रिया से ही की जाती है। कुछ खास स्थितियों में खरीद के लिए खुली निविदा ओपन टेंडर के बजाय सीमित निविदा लिमिटेड टेंडर प्रक्रिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर हम सीमित बोली पद्धति को सार्वजनिक खरीद में तब इस्तेमाल करते हैं जब खरीद की जाने वाली कुल वस्तुओं की कुल राशि 2,00,000 रुपए से कम हो और ऐसी सभी तरह की खरीद एक वित्तीय वर्ष में 10,00,000 रुपए से अधिक ना हो। सीमित निविदा की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी, किफायतीपन और प्रतिस्पर्धी रूप सभी लाभ हैं। इसमें गैर जरूरी प्रशासनिक कार्य और खर्चे भी कम हैं, इसलिए बहुत सारे संगठित निजी क्षेत्र सीमित निविदा से ही खरीद पसंद करते हैं। लेकिन एक सार्वजनिक क्षेत्र में किसी खरीद के लिए जो ओपन टेंडर से होने वाली थी उसमें कार्यों को विभाजित करके राशियों को 2,00,000 से कम करके सीमित निविदा के तहत करने की अगर कोई परंपरा बनाई जाती है तो ये ठीक नहीं है। ऐसा बदनीति से किया हुआ कार्य भी माना जा सकता है। सीमित निविदा की खरीद प्रक्रिया में जो प्रोक्योरमेंट एंटिटी है, खरीद करने वाला प्राधिकारी है, वो एक सीमित निविदा सूचना को, लिमिटेड टेंडर इंफॉर्मेशन को, जो केंद्र सरकार का प्रोक्योरमेंट पोर्टल है या राज्य सरकार का प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, उस पर प्रकाशित करेगा और एक ही दिन में उसके यहाँ जितने भी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता हैं जो योग्यता के सभी मापदंड पूरा करते हैं और हमारे द्वारा चाही गई आपूर्तियों को करने में सक्षम है, उन्हें सीधे एक साथ एक ही दिन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर, ईमेल या सोशल मीडिया की माध्यम से सूचित करके क्रय प्रक्रिया हेतु बोली बिड लगाने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। केवल इस प्रक्रिया में ओपन टेंडर के भांति ही समाचार पत्रों में प्रकाशन करने वाली व्यवस्था नहीं रही है। एक लंबा समय 3 सप्ताह से भी ज्यादा का विज्ञापन प्रकाशन और बिड देने के बीच में भी देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ सीमित निविदाओं में अक्सर बिडर या आपूर्तिकर्ताओं से कोई बयाना राशि या अर्नेस मनी भी नहीं ली जाती है, जैसे कि हम ओपन टेंडर प्रोसेस में करते हैं। अक्सर ऐसी सीमित निविदा के निविदा प्रपत्र भी निशुल्क उपलब्ध होते हैं। ऐसी स्थितियों में अगर हमें सभी संभावित आपूर्तिकर्ताओं की जानकारी है तो सीमित निविदा के परिणाम किसी ओपन टेंडर प्रक्रिया जितने ही अच्छे और कम खर्च के साथ प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि सीमित बोली पद्धति में निविदा प्रपत्र निशुल्क है तो दूसरे पात्र आपूर्तिकर्ता भी अपनी बोलियां इस खरीद प्रक्रिया में प्रस्तुत कर सकते हैं। भले ही ऐसे बोलीदाताओं को हमने पहले से पंजीकृत किया हुआ नहीं है, उन्हें कोई बोली का आमंत्रण भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने वेब पोर्टल या सोशल मीडिया या कार्यालय के नोटिस बोर्ड से सीमित निविदा की सूचना प्राप्त कर ली है तो वो अपना प्रस्ताव और बोली निविदा प्रक्रिया में, खरीद प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। आमतौर पर सीमित निविदा पद्धति में बोली की निगरानी करने के लिए या बोली की सुरक्षा बरकरार रखने के लिए जो बयाना राशि अर्नेस्ट मनी ली जाती है वो भी नहीं होती है और हमें बोली जमा करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने से 3 सप्ताह का समय देने जैसी स्थितियां भी नहीं रखनी होती और हम एक आवश्यक न्यूनतम समय, पर्याप्त समय जिसे कहा जा सकता है, उस समय में बोलियों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ओपन टेंडर की तुलना में लिमिटेड टेंडर की प्रक्रिया में ना तो टेंडर की कोई फीस हुई, ना कोई बयाना राशि हुई और ना ही सूचना प्रकाशित होने और बोली जमा करने के बीच में ज्यादा अंतर रहा, तो हमारी प्रक्रिया में समय और प्रयास तो कम ही लगे और ये ओपन टेंडर की तुलना में अधिक तेजी से भी संपादित होने वाली प्रक्रिया साबित हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, एक सीमित निविदा खरीद पद्धति में भी जो बोलियां हमारे पास प्राप्त होती हैं वो बोली देने वाले आपूर्तिकर्ता फर्मों की संख्या वास्तविक रूप से 3 या अधिक सचमुच होनी चाहिए और ऐसे बोलीकर्ता जो फिक्सियस हैं, काल्पनिक हैं, उन्हें ऐसी सीमित निविदा खरीद पद्धति से बाहर रखने की जिम्मेदारी प्रोक्योरमेंट एंटिटी, खरीद प्राधिकारी की होती है और 3 या अधिक वास्तविक आपूर्तिकर्ता फर्मों के बीच में एक पारदर्शी प्रतियोगी तरीके से किफायती खरीद सीमित बोली खरीद पद्धति से की जा सकती है। उम्मीद है इस खूबसूरत लर्निंग वीडियो से आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद प्रक्रिया की समझ बेहतर बनी होगी। क्रय समिति, परचेज कमेटी के क्या कार्य हैं वो समझ में आए होंगे और तीनों प्रकार की जो हमारी निविदाएं होती हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट या एकल टेंडर से खरीद हुई, लिमिटेड टेंडर हुआ या ओपन टेंडर हुआ, उसके बारे में भी आपकी समझ बेहतर बनी होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट में दूसरी लर्निंग वीडियो से आपकी इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन विषय समझ बेहतर बनेगी। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट भी विद्युत इंजीनियरिंग में आपकी समझ को बेहतर बनाएगी।
आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, हैव नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।